नमस्कार। संसद टीवी के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज के साथ साथ प्रश्नकाल भी काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने आज 15 मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 9 मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालयों की ओर से जवाब दिया गया। प्रश्नकाल विशेष की आज की कड़ी में हम संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय से पूछे गए सवालों पर फोकस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल पूछे और इन प्रश्नों के जवाब में सरकार ने कौन कौन सी बड़ी जानकारियां उपलब्ध करवाई। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्नकाल विशेष। लोकसभा में विद्युत मंत्रालय से ग्राम उजाला योजना से जुड़ा सवाल सांसद संजय सेठ और सांसद वीणा देवी ने पूछा। सांसदों ने प्रश्न के माध्यम से पूछा कि ग्राम उजाला योजना की विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं, और इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या हासिल किए गए हैं। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि उन राज्यों का विवरण क्या है जहां इन योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है या फिर किए जाने का विचार है। साथ ही क्या ग्राम उजाला योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों के साथ साथ झारखंड के कई क्षेत्रों की पहचान की गई है या चयन किया गया है। यदि किया गया है तो उसका विवरण क्या है और योजना के अंतर्गत झारखंड और बिहार को कितनी धनराशि आवंटित या फिर जारी की गई है। विद्युत मंत्रालय की ओर से उत्तर में जानकारी दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय स्तर पर ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्राम उजाला कार्यक्रम मार्च 2021 को बिहार के आरा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में शुरू किया गया था। उत्तर में ये भी जानकारी दी गई कि झारखंड में ग्राम उजाला लागू नहीं किया गया। ये योजना बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों में लागू की गई है। वैशाली में 1,98,634 और मुजफ्फरपुर में 82,742 LED बल्ब वितरित किए गए हैं। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के तहत लगभग 37.62 लाख LED बल्ब वितरित किए गए। उत्तर में ये भी बताया गया कि ग्राम उजाला स्कीम के लिए राज्यों या केंद्र सरकार की ओर से कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया है। ये कार्बन क्रेडिट के माध्यम से प्राप्त होने वाले राजस्वों सहित एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की एक स्व वित्त पोषण पहल है। उत्तर में इसके प्रचार प्रसार की जानकारी भी दी गई। उत्तर में बताया गया कि LED बल्बों के उपयोग को लाभार्थियों के बीच बढ़ावा देने के लिए रेडियो, टीवी और मीडिया के अन्य माध्यमों जैसे बैनर, पोस्टर, लीफलेट आदि के माध्यम से स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया आउटरीच सूचना प्रसार जैसी विभिन्न जागरूकता गतिविधियां नियमित रूप से की जा रही हैं। योजना के दूसरे चरण के बारे में जानकारी देते हुए मंत्रालय ने बताया, ग्राम उजाला योजना का विस्तार इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी के परिणामों पर निर्भर करेगा। ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड की ओर से की गई थी। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड राज्य स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम है। CESL स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। CESL ने इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 60 वाट और 100 वाट के सामान्य बल्ब के बदले 7 वाट और 12 वाट के एनर्जी एफिशिएंट LED बल्ब दिए हैं। ये LED बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब पर वितरित किए गए हैं। ग्राम उजाला के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ से अधिक LED बल्ब वितरित किए गए हैं। इससे पहले वर्ष 2015 में विद्युत मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय उजाला योजना की शुरुआत की गई थी। उजाला अर्थात उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। छोटी अवधि में ही ये कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा गैर सब्सिडी प्राप्त स्वदेशी प्रकाश कार्यक्रम बन गया, जो महंगी बिजली और इनएफिशिएंट लाइटिंग के कारण उच्च उत्सर्जन की समस्याओं का समाधान करता है। कार्यक्रम ने लोगों के जीवन को बदला है।
इसकी मदद से घरों के वार्षिक बिजली बिलों में कमी आई है। उपभोक्ता पैसा बचाने, अपने जीवन स्तर में सुधार लाने और भारत की आर्थिक प्रगति और समृद्धि में योगदान करने में सक्षम हुए हैं। अब तक देश भर में 382 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब की बिक्री हो चुकी है। राज्यसभा में सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह ने पर्यटन मंत्रालय से देश में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित प्रश्न पूछा। सांसद ने पूछा कि क्या मंत्रालय द्वारा देश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं और क्या इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 15 विषयगत परिपथों में से एक के रूप में इको परिपथ को चिन्हित किया गया है। प्रश्न का उत्तर संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की तरफ से दिया गया। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत एक प्रोजेक्ट इको टूरिज्म के लिए चिन्हित किया। इस थीम के अंतर्गत 6 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया। इनमें उत्तराखंड के जिला टिहरी में टिहरी झील और आसपास के क्षेत्रों में इको टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स और संबंध पर्यटन अवसंरचना का विकास, तेलंगाना के महबूब नगर जिले में परिपथ का विकास, केरल में पथनम थिट्टा गावी वागा मोन थेकड्डी का विकास, मिजोरम में आइजोल रापुई चिप हमुईफोंग में इको एडवेंचर परिपथ का विकास, मध्य प्रदेश के गांधी सागर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, भीड़ा घाट, बाण सागर बांध और केन नदी का विकास और झारखंड के दलमा बेतला राष्ट्रीय उद्यान, मिर्चैया नेतरहाट में इको टूरिज्म परिपथ का विकास शामिल है। इको टूरिज्म से संबंधित इन 6 परियोजनाओं के लिए 415.44 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित G20 देशों के तीसरे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान मई 2023 में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इको टूरिज्म नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया। पर्यटन मंत्रालय इको टूरिज्म समेत देश के विभिन्न टूरिज्म डेस्टिनेशन और उत्पादों का संवर्धन करता है। ये प्रचार कार्य विभिन्न प्रमोशनल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया हैंडल्स, वेबसाइट और कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने पर्यटन मौसम संबंधी बाधाओं को दूर करने और देश को 365 दिनों के पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए कई टूरिज्म प्रोडक्ट की पहचान की है। इनमें क्रूज, एडवेंचर, चिकित्सा और कल्याण, गोल्फ, पोलो, बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां, इको टूरिज्म, फिल्म पर्यटन, चिरस्थायी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन शामिल है। पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत विजिट इंडिया ईयर 2023 घोषित किया। पर्यटन मंत्रालय के अनुरोध पर विदेश मंत्रालय ने इन महत्वपूर्ण बाजारों में भारत को पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए विदेशों में स्थित 20 भारतीय मिशनों में पर्यटन अधिकारियों को मनोनीत किया। पर्यटन मंत्रालय ने देश में इको टूरिज्म के विकास और संवर्धन के लिए कई कदम उठाए। इनमें पर्यटन मंत्रालय ने इको टिकाऊ पर्यटन, जिम्मेदार पर्यटन के लिए प्राथमिकता प्राप्त वैश्विक गंतव्य के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए इको पर्यटन और टिकाऊ पर्यटन के संबंध में राष्ट्रीय रणनीति तैयार की। पर्यटन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में टिकाऊ पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ एक दूसरे के पर्यटन क्षेत्र में स्थायित्व संबंधी पहलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और सहायता देने, साथ ही सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए कदम उठाने को लेकर 27 सितंबर 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है। 2014 से 2022 तक भारत ने होटल और पर्यटन के क्षेत्र में 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त किया, जबकि भारत ने 2000 से 2014 के बीच 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त किया था। राज्य सरकारें भी होमस्टे, MIC इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलनेस टूरिज्म, इको टूरिज्म आदि के लिए निजी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन और रियायतें प्रदान कर रही हैं। स्वीकृतियों को
सुव्यवस्थित करने की दिशा में पर्यटन मंत्रालय राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण कर रहा है। लोकसभा में सांसद राजेंद्र गावित और सांसद डॉक्टर सुजय विखे पाटिल ने जल शक्ति मंत्रालय से जल संरक्षण से संबंधित पहल से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित देश में जल संरक्षण से संबंधित की जा रही पहलों की वर्तमान स्थिति और प्रगति क्या है और जल प्रबंधन और संधारणीयता से संबंधित प्रयासों को और बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी योजनाओं या कार्य नीतियों का विवरण क्या है। प्रश्न का उत्तर जल शक्ति मंत्रालय की ओर से दिया गया। उत्तर में जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में जल संरक्षण के लिए सरकार की ओर से कई अहम कदम उठाए गए हैं। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन मुख्य है। इस योजना में अन्य बातों के साथ साथ जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं तैयार करना भी शामिल है। जल संरक्षण के लिए आर्थिक योगदान करने में मनरेगा प्रमुख है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के तहत विभिन्न राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता से अनुदान दिया गया जिसका उपयोग वर्षा जल संचयन के लिए किया जा सकता है। उत्तर में जानकारी दी गई कि जल शक्ति मंत्रालय ने सिंचाई पेयजल आपूर्ति बिजली उत्पादन उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए 20 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो की स्थापना की है। उत्तर में ये भी बताया गया कि भावी पीढ़ियों के लिए वाटर कंजर्वेशन के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया। मिशन के तहत देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों के निर्माण या कायाकल्प का प्रावधान है। अमृत सरोवरों के लिए चिन्हित कुल 10,09,787 स्थलों में से अब तक 68,664 स्थलों पर काम पूरा हो चुका है। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के चलते जल संबंधी पैरामीटर में आए परिवर्तनों को भी उत्तर में बताया गया। वर्ष 2020 में ओवर एक्सप्लॉइटेड 1,114 यूनिट की तुलना में 2023 में ये केवल 736 है। इसमें 378 यूनिट की कमी आई है। 2020 में क्रिटिकल 270 यूनिट की तुलना में 2023 में ये केवल 199 है। इसमें 71 यूनिट की कमी आई है। 2020 में सेमी क्रिटिकल 1,057 यूनिट की तुलना में 2023 में ये केवल 698 है। इसमें 359 यूनिट की कमी आई है। 2020 में सुरक्षित 4,427 यूनिट की तुलना में 2023 में ये 4,793 है। इसमें 366 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। 2020 में सेलाइन 97 यूनिट की तुलना में 2023 में 127 है। इसमें कुल 30 यूनिट की वृद्धि हुई है। 2019 से 2023 के दौरान जल शक्ति अभियान के कार्यान्वयन से प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी भी उत्तर में दी गई। जवाब में बताया गया कि 1 करोड़ से अधिक जल संबंधी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। सघन वन रोपण के अंतर्गत लगभग 130 करोड़ पौधे लगाए गए। 1.30 लाख से अधिक किसान मेले प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। लगभग 25 लाख जल निकायों की गणना की गई। 661 जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए और 519 जिला जल संरक्षण योजनाएं तैयार की गई। केंद्र सरकार जल संरक्षण के लिए कई गंभीर प्रयास कर रही है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की ओर से भूजल के आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए मास्टर प्लान 2020 को तैयार किया गया है। इस योजना के मास्टर प्लान में 185 बिलियन क्यूबिक मीटर मॉनसून वर्षा का जल इकट्ठा करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और आर्टिफिशियल रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। जल शक्ति मंत्रालय 2019 से वार्षिक आधार पर जल शक्ति अभियान यानी कि JSA लागू कर रहा है। वर्तमान वर्ष में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का आयोजन 4 मार्च से 20 नवंबर तक किया गया। इसे राष्ट्रपति ने देश के सभी जिलों में शुरू किया। 2019 में अटल भूजल योजना भी 7 राज्यों में शुरू की गई।
ये योजना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संकट वाले क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन सम्मेलन भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसके अलावा भी राष्ट्रीय जल मिशन के माध्यम से जल के संरक्षण उसकी बर्बादी को कम करने और एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए कई कदम उठाए गए। इस मिशन के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है सही फसल। इसमें किसानों को कम पानी की खपत वाली कृषि फसल की जानकारी दी जाती है और उन्हें उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। लोकसभा में सांसद मोहन भाई कुंडारिया, दीप सिंह शंकर सिंह राठौड़, डॉक्टर भारतीबेन डीशयाल, शंकर लालवानी, रवि किशन और जामयांग शेरिंग नामग्याल ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं, साथ ही क्या मिशन का भारत की आवश्यकताओं को बढ़ाने पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है। यदि है तो इसका विवरण साझा करें और मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय संसाधनों का विवरण क्या है। लोकसभा में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन से जुड़े सवाल का जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री आर के सिंह ने दिया। जवाब में बताया गया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के प्रोडक्शन, उपयोग और एक्सपोर्ट के लिए वैश्विक हब बनाना है। वर्ष 2030 तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को बढ़ाने पर मिशन के अपेक्षित प्रभावों के बारे में भी बताया गया। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता लगभग 125 गीगावाट की संबंध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ हर साल 5 एमएमटी तक पहुंचने की संभावना है, जिससे जीवाश्म ईंधनों के आयात पर निर्भरता कम होगी। मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति से वर्ष 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आने की उम्मीद है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रभाव ये भी होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन की लक्षित मात्रा का उत्पादन और उपयोग करके लगभग 50 एमएमटी प्रति वर्ष कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। जवाब में ये भी बताया गया कि सरकार ने मिशन के सफल निष्पादन के लिए वित्त वर्ष 2029-30 तक 19.744 करोड़ रुपए का बजट आउटले निर्धारित किया है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बड़ी भूमिका होने वाली है। ग्रीन हाइड्रोजन के पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा बनने के पथ पर भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय और गैर वित्तीय उपायों की घोषणा की गई है, जिसके तहत निर्यात एवं स्वदेशी उपयोग के जरिए डिमांड बढ़ाने के लिए सुविधा प्रदान करना है। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइजरों के निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन शामिल है, जिसमें 17,490 करोड़ रुपए का बजट आउटले रखा गया है। इसके अलावा ग्रीन स्टील, मोबिलिटी, शिपिंग के लिए पायलट परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन हब का विकास, अवसंरचना विकास के लिए सहायता, विनियमों एवं मानकों की मजबूत व्यवस्था स्थापित करना, अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, पब्लिक अवेयरनेस और आउटरीच कार्यक्रम भी इन उपायों में शामिल है। ग्रीन हाइड्रोजन परिवर्तन के लिए रणनीतिक उपायों की बात की जाए तो शुरुआती चरण में वर्ष 2029-30 तक 17,490 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दो अलग अलग वित्तीय प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन हब और अन्य परियोजनाओं के लिए 2025-26 तक 400 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है। भविष्य की परियोजनाओं के बजट आउटले की बात करें तो कम कार्बन युक्त इस्पात वाली परियोजनाओं के लिए वर्ष 2029-30 तक 455 करोड़ रुपए, मोबिलिटी पायलट परियोजनाओं के लिए 2025-26 तक 496 करोड़ रुपए,
शिपिंग पायलट परियोजनाओं के लिए 2025-26 तक 115 करोड़ रुपए का बजट आउटले शामिल है। स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के विकल्प के लिए हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा जैसे सौर और पवन का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है। इसके तहत इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में काफी कम कार्बन उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग उन क्षेत्रों को डी कार्बोनाइज करने के लिए किया जा सकता है जो विद्युतीकरण के लिए कठिन है, जैसे स्टील और सीमेंट उत्पादन। राज्यसभा में सांसद संदीप कुमार पाठक ने संस्कृति मंत्रालय से एकता की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में सवाल पूछा। सांसद ने पूछा कि मंत्रालय द्वारा कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, साथ ही विगत 5 वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा भारतीयों के बीच एकता की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदमों और चलाए गए कार्यक्रमों का विवरण क्या है। प्रश्न का उत्तर संस्कृति पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। मंत्रालय ने सीधे तौर पर आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उनके आयोजन स्थल समेत कार्यक्रम और उन पर खर्च की गई राशि का विवरण दिया, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन अक्टूबर 2019 में मध्य प्रदेश के जबलपुर, सागर और रीवा में हुआ, जिस पर 1,056 लाख रुपए धनराशि खर्च की गई। वहीं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, दार्जिलिंग और मुर्शिदाबाद में फरवरी 2021 में ये आयोजन किया गया, जिसमें कुल खर्च की गई राशि 665,54,000 रुपए रही। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री और तेलंगाना के वारंगल और हैदराबाद में वर्ष 2022 के मार्च और अप्रैल में इस महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें 2,290,33,000 रुपए की राशि खर्च की गई। महाराष्ट्र के मुंबई में RSM का आयोजन वर्ष 2023 के फरवरी में किया गया, जिस पर कुल व्यय 1,100 लाख रुपए रहा। वहीं राजस्थान के बीकानेर में ये आयोजन वर्ष 2023 में ही फरवरी और मार्च के महीने में किया गया, जिस पर कुल व्यय 855,56,000 रुपए रहा। वहीं क्षेत्रीय स्तर के RSM का आयोजन वर्ष 2023 के सितम्बर में राजस्थान के कोटा, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ, जिस पर कुल खर्च की गई राशि 100 लाख रुपए और 112 लाख 50 हजार रुपए रही। वहीं दिल्ली में 2023 के सितंबर और अक्टूबर में यह आयोजन हुआ, जिसमें कुल व्यय 150 लाख रुपए रहा। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन 5 से 6 अगस्त 2023 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इस आयोजन का कुल एक्सपेंडिचर 999 लाख रुपए रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2018 से लेकर 2023 तक विभिन्न देशों में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिस पर कुल व्यय 1,495,68,000 रुपए रहा। वहीं मुंबई कौस्तुभ का आयोजन 18 और 19 मार्च 2023 में मुंबई के मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया में किया गया, जिसमें कुल व्यय 100 लाख रुपए हुआ। 2023 में ही 18 से 20 मई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ITPO में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का आयोजन किया गया, जिस पर कुल खर्च 369,43,000 रुपए किया गया। इसके अतिरिक्त आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, विभिन्न विभागों, निजी संगठनों और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों के माध्यम से आयोजित किए गए। जन भागीदारी और सूचनाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आजादी के अमृत महोत्सव में लागत कम करने और आउटरीच और इसके प्रभाव को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का भरपूर लाभ उठाया गया। इन कार्यक्रमों पर आने वाला खर्च संस्कृति मंत्रालय सहित भारत सरकार के मंत्रालयों और विभिन्न विभागों के आवंटित बजट की सीमा के अंदर था। इसके अलावा राज्यों, संघ राज्यों ने अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों और स्मरणोत्सव का व्यय भी वहन किया। आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के तहत भारत सरकार की एक बड़ी पहल आजादी का अमृत महोत्सव थी। इसके तहत देश भर में 1,36,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए,
जिनमें हर घर तिरंगा जैसे बड़े कार्यक्रम भी शामिल थे। हर घर तिरंगा अभियान लगभग 23 करोड़ घरों तक पहुंचा। संस्कृति मंत्रालय ने अमृत महोत्सव के तहत युवाओं तक अधिक से अधिक पहुंच बनाने के लिए युवा केंद्रित बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में इंडिया गेट पर उनकी 28 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत और अनेकता में एकता की भावना को प्रदर्शित करने के लिए देश के कोने कोने से आए 500 नर्तकों द्वारा कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक उत्सव प्रदर्शित किया गया। 9 अगस्त 2023 को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके तहत देश भर में 2 लाख से ज्यादा अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्कृति मंत्रालय पारंपरिक कला रूपों समेत विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को संबंधित क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति के किसी रूप का अध्ययन करने और सीखने के लिए भी सरकार द्वारा फाइनेंशियल हेल्प की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय और देसी पुस्तक मेलों एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। देश के संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में शामिल एक महत्वपूर्ण काम है। आइए अब आपको बताते हैं आज संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई के दौरान क्या कुछ खास रहा। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा की 14 बैठकों के दौरान 61 घंटे 50 मिनट कार्य हुआ और सत्र की उत्पादकता 74% रही। लोकसभा में 12 नए विधेयक पेश किए गए जबकि कुल मिलाकर 18 विधेयक पारित हुए। साथ ही अनुपूरक बजट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। सदन में 35 स्थायी समिति की रिपोर्ट्स पेश की गई। इससे पहले लोकसभा में 2 विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 और द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 पारित हो गए। उच्च सदन राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सदन में दूरसंचार विधेयक 2023 पारित हुआ। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पारित हो गए। तीनों विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं। राज्यसभा में कुल 17 विधेयक पारित हुए। उच्च सदन में 14 बैठकों के दौरान 65 घंटे कार्य हुआ। उच्च सदन की उत्पादकता 79% रही। फिलहाल प्रश्नकाल विशेष की इस कड़ी में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।